नितिन गडकरी का आरोपों से इनकार, कहा सभी आरोप गलत, मेरा बेटा आईआरबी में कभी नहीं रहा डायरेक्टर। दिग्विजय सिंह ने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने का लगाया था आरोप। डीडीसीए जांच समिति अध्यक्ष का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप, सांघी ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर किया खुलासा, वीआईपी का नाम डालने का है दबाव, बीजेपी ने आप पर बोला हमला। और ऑड इवन पर दिल्ली हाई कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, कहा 15 जनवरी तक जारी रहेगा फॉर्मूला, हरियाणा के रोहतक में भी ऑटो पर लागू होगा सम विषम फॉर्मूला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। जैसा हमेशा से होता आया है, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया है और पठानकोट हमले के पाक कनेक्शन को अपनी जांच की पहली ही रिपोर्ट में नकार दिया। उधर रक्षा मंत्री ने पहली बार कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि अब दुश्मन को दर्द दिए जाने की जरूरत है। पठानकोट के पाक कनेक्शन से पाकिस्तान का इनकार, पाकिस्तान ने आतंक के सबूतों को नकारा। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है आतंक के नंबर। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पठानकोट हमले के पाक कनेक्शन पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट भारत को सौंप चुका है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का एक बार फिर वही रुख सामने आया है जिसके लिए वो बदनाम है। पाकिस्तान ने आतंक के अपने कनेक्शन को नकार दिया है। इससे पहले खबर थी कि पठानकोट हमले की जांच के लिए नवाज ने जीआईटी गठित की थी और कई संदिग्ध हिरासत में लिए थे। पाकिस्तान भले खुद को क्लीन चिट दे रहा है, लेकिन सरकार उसे आतंक की भट्टी बता रही है। पाकिस्तान तो आतंकवाद की भट्टी है जिसमें कई बार वो खुद जल जाता है। भारत और दुनिया भर के दबाव के बाद जांच कमीशन बनाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के पाक कनेक्शन को अपनी पहली रिपोर्ट में ही नकार दिया, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अब दुश्मन को दर्द देना जरूरी हो गया है। जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूं, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं हो। रक्षा मंत्री के दुश्मन को दर्द देने वाले बयान को कांग्रेस ने एक बार फिर जुमला करार दिया है। कांग्रेस पूछ रही है कि आज तक मोदी सरकार पाकिस्तान को कितना दर्द दे पाई है। 1100 बार से ज्यादा सीज फायर का वायलेशन मोदी सरकार में हो चुका। हमारे कमीशन और नॉन कमीशन फौजी पहले भी मारे गए हैं अनप्रोवोक्ड फायरिंग में, उनको क्या दर्द दिया है पर्रिकर साहब या उनकी सरकार ने। देश में पठानकोट हमले को लेकर राजनीति हो रही है और पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक आतंक के अपने कनेक्शन को नकार रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी की जरूरत क्यों पड़ी और दुश्मन को दर्द देने वाले बयान का आखिर क्या मतलब है। आज की बड़ी बहस में इसी से जुड़ा है सीधा सवाल। हालांकि इन टोटेलिटी जो कहा गया है रक्षा मंत्री की तरफ से, वो ये कहा गया है कि दर्द दिए बगैर दर्द देने वाले को यह समझ में नहीं आता कि दर्द क्या होता है, लेकिन जगह हमारी होगी, तरीका हमारा होगा और कब अभी ये तय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नजरिया है सरकार का नहीं, लेकिन बड़ी बहस में आज का सीधा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को दर्द देने का वक्त आ गया है। और इसी से जुड़े कुछ और सवाल भी हैं, मसलन रक्षा मंत्री की इस चेतावनी का मतलब क्या निकाला जाए, रक्षा मंत्री को इस तरह की चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या भारत पाकिस्तान बातचीत अब होनी चाहिए और क्या लोकसभा चुनावों से पहले युद्ध के आसार भी नजर आ रहे हैं, और फाइनली क्या प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सोच अलग अलग तो नहीं है।
हम अपने पैनलिस्ट के साथ चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन हमें आप अपने प्रबुद्ध दर्शकों की राय भी चाहिए। आप भी इस मसले पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्या पाकिस्तान को दर्द देने का वक्त आ गया है? आप के जवाब का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप हां कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में तो लाइव लिखकर स्पेस दें वाई लिखें, अगर आप ना कह रहे हैं तो लाइव लिखें स्पेस दें एन लिखें और एसएमएस कर दें हमें 56161 पर। कार्यक्रम के आखिर में हम बताएंगे कि आप में से ज्यादातर लोगों की सोच और राय क्या है। तो क्या पाकिस्तान को दर्द देने का वक्त आ गया है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उनसे हम समझेंगे कि क्यों ये भी कहा गया कि जरूरी नहीं है कि यह सरकार की भी राय हो, ये मेरी राय है। एक मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर ऐसा क्यों कह रहा है? हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी उनका इंतजार है, कांग्रेस के नेता। डॉक्टर सुरेश गोयल हमारे साथ यहां चर्चा में जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मोहसिन रजा खान साहब पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस्लामाबाद से स्काइप के जरिए वो हम तक अपनी राय पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले तो ये समझें कि रक्षा मंत्री को आर्मी डे के मौके पर यह कहना जरूरी क्यों लगा कि दर्द देने वाले को दर्द देना चाहिए। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस पठानकोट का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई दर्द इन्फ्लिक्ट करा रहा है तो आपको भी जरूरी है कि उसको एहसास कराएं कि दर्द कैसा होता है, वरना उसे पता नहीं चलेगा कि इसके मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये जफर इस्लाम साहब कि रक्षा मंत्री को इसके साथ ये जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये मेरी राय है, आवश्यक नहीं कि सरकार भी ऐसा सोच रही हो। देखिए, पहले तो ये समझिए कि उस स्टेटमेंट का स्पिरिट क्या है और किस मौके पे उन्होंने बोला। जो उन्होंने बोला उससे सारे हिंदुस्तान के हर नागरिक और उसमें आप भी शामिल है उस बात से सहमत हो गए कि अगर आप जवान जो हमारे शहीद हुए हैं और उनको अगर मुखातिब होकर आप कह रहे हैं तो ये स्टेटमेंट लाजमी है आप देंगे कि भाई अगर हमें दर्द है, आपको भी दर्द होगा अगर एक हमारा जवान शहीद होता है तो उसका दर्द तो सबको होगा, सारे भारतवासियों को होगा, और उस दर्द का एहसास जिसने दर्द दिया है उसको होना चाहिए ताकि आगे ऐसे दर्द ना दे मुझे और इस तरह का एहसास हमें ना हो और एक्सपीरियंस ना हो। इसके लिए उन्होंने बहुत सही तरीके से उसको बताया है। अब इसका मतलब लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्टेटमेंट में बिल्कुल सच्चाई है और यह स्टेटमेंट जरूरी भी है, इसलिए कि लोगों की फीलिंग्स इससे जुड़ी है और लोगों की फीलिंग्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो ये लोगों की फीलिंग्स तो हमेशा से रही हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, दो सिर के बदले 100 सिर ले आएंगे और आज एक बार देखिए देने वाले को दर्द देंगे। ये फीलिंग्स रही हैं सर, क्या ये टारगेट ऑडियंस को देखकर, मैं दिनेश गौतम बोल रहा हूं सर, क्या ये टारगेट ऑडियंस को देखकर कहने वाली बात है? और क्या आज आर्मी डे पर वहां उनके मोरल को आप करने के लिए ये जरूरी लगा कि वो ऐसा कहें? मैंने ऐसा कहा कि ये ऐसे लोग मीडिया में लोग बात करते रहते हैं, लोग अलग अलग मौके पे बात करते हैं, लेकिन ये आर्मी डे पे अगर वहां पर आर्मी को सामने ये बात रख रहे हैं तो ये इसका आप सीधा सीधा एक ही मतलब निकाल सकते हैं कि ये उनके दर्द से अपना दर्द जोड़ रहे हैं और ये भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो दर्द देने वाले हैं उनको भी ये मैसेज है कि हिन्दुस्तान एक कोई कमजोर मुल्क तो नहीं है कि इसको आप बार बार दर्द देते रहेंगे। और हिन्दुस्तान कुछ और बातें भी उन्होंने जोड़ी हैं, उसके मायने भी आपसे हम समझेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको जान देना सुप्रीम सैक्रिफाइस है, इसको सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन असल कॉम्बैट में हमारा सिर्फ एक जवान मारा गया है। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जगदीश चंद्र जी तो अनफॉर्चुनेटली गोलियों की जद में आ गए, लेकिन बाकी जो जाने हमने दी उसके बदले हमको जान लेने पर जोर देना होगा। क्या कहीं ये दिखाता है कि गवर्नमेंट में सब कोई एक पेज पर नहीं? हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे मोहसिन रजा खान साहब के पास। मोहसिन रजा खान साहब, क्या यह स्टेटमेंट पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है? वहां इसकी तर्जुमानी कैसी हो रही है? मोहसिन रजा खान साहब तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही, लेकिन सुरेश साहब यह समझा जा सकता है कि यह आर्मी डे पर जवानों के मोरल को अप करने के लिए कही हुई बात होगी और यह आवश्यक भी है, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, शायद इसीलिए उन्होंने यह कहा होगा कि सरकार भी ऐसा सोचे, यह आवश्यक नहीं, ताकि इसका असर किसी तरह के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो अपनी तरफ से कवायदे कर रहे हैं उधर असर ना पड़े। लेकिन कैसे सोक इन करती हैं ये बातें जब डिप्लोमेटिक चैनल्स तक पहुंचती हैं? देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स में जरूरी नहीं कि जो बात करनी है वो सारी बातें कही ही जाएं या सारी बातें बोल करके ही करी जाएं। कुछ बातें समझने की होती हैं, कुछ बातें के लिए मैसेज देना पड़ता है। और मेरा ख्याल है इस मामले में डिफेंस मिनिस्टर ने, अगर उन्होंने ये कहा भी
कि ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, एक साफ साफ मैसेज दिया है कि अगर हमारे ऊपर चोट लगाई गई तो हम भी चोट लगाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि नुकसान तो होता है। देखिए मेरे ख्याल है यहां पर दो चीजें हैं। देखिए, एक तो यह है कि जो अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया गया है जो हमारी सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है, तो हम उस सिक्योरिटी के मामले में जवाब देने के लिए हमको पूरा इख्तियार है ये, और हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसको जवाब को दें, और उसको अगर बोल करके करें या बिना कहे कहें करना जरूरी होता है ये, ताकि दूसरी साइड को पता रहे कि दे कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड। और दूसरी चीज ये है कि दर्द के अलावा बातचीत करनी बहुत जरूरी होती है, बिना बातचीत करने रास्ता नहीं होता है। तो यह भी नहीं हो सकता है कि अगर हम कहें कि दर्द देना जरूरी है तो वही एक रास्ता है, दूसरे रास्ते और नहीं है। तो मेरे ख्याल है उन्होंने जो कहा कि ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है, वो सारे रास्ते खुले रखने के लिए, ताकि कोई भी रास्ता बंद नहीं हो। ये बात भी समझ में आई, लेकिन क्या ब्रिगेडियर मिश्रा, जब एक तरफ 25 दिसंबर को नवाज शरीफ के पास जाकर मोदी गले मिलते हैं, उनकी मां के पैर छूते हैं, उसके कुछ दिनों बाद जब यह घटना घटती है, उसके बाद ये दोनों तरह की बातें, एक तरफ तो ये कि ये जरूरी है कि उस तरफ से एक 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 पैरेलल कोशिश चलती रहे, और दूसरी तरफ ये कि हम स्टर्न एक्शन लेंगे, लेकिन ये आता है डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, कैसे परसीव किया जाता है सेना में इन सब बातों को? जहां तक सेना का सवाल है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आर्मी डे पर स्टेटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, तो यह आर्मी डे से कनेक्टेड स्टेटमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे रक्षा मंत्री, ये हमारे सुप्रीम कमांडर तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन रक्षा मंत्री हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं देश के, और रक्षा मंत्री इस बात को काफी गहराई से देख रहे हैं, और उनका दौरा भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा हुआ है। ये जो पठानकोट का मामला है, ये बड़ा गंभीर मामला है, और प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना ये इंडिकेट करता है कि हम ऐसी चीजों को जरूर दुनिया के सामने हम एक मिसाल रखेंगे कि ये चीजें न हो। और प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर का ये एक जोरदार वक्तव्य है, मैं समझता हूं वो मीन करते हैं इसको, और मैं ये समझता हूं कि ये आर्मी को ज्यादा इंडिकेशन है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मैसेज है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, क्योंकि अल्टीमेट एनालिसिस में आपके बॉर्डर की रक्षा आर्मी करती है, डिप्लोमेसी नहीं करती है। और अगर डिप्लोमेसी नहीं करती है, आर्मी रक्षा करती है, और उनके साथ आपने देखा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, तो ये आर्मी के लिए है कि आप हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहें। और जब वो ये कहते हैं कि ये हम खुद समझते हैं, तो ये एक्सिक्यूटिव फीलिंग है जिसको आर्मी समझती है कि हाँ हमको तैयार रहना है, और कुछ भी हो हम पाकिस्तान के साथ हमेशा तैयार रहे हैं, रहेंगे। लेकिन आज बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया ब्रिगेडियर मिश्रा कि असल में जो हिफाजत है वो तो आर्मी को करनी है, डिप्लोमेटिक चैनल्स तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम इस पर एक बार फिर से लौटेंगे। हुसैन दलवाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें पाकिस्तान जाना होगा और समझना होगा कि वहां इस बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है। मोहसिन रजा खान साहब, आपको अगर मेरी आवाज अब मिल रही हो, ये जो यहां डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है उसको किस तरीके से लिया जा रहा है, और क्या लगता है आपको कि वहां भी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें सामने आ रही हैं? एक तरफ तो द न्यूज ये कह रहा है कि जो टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं वहां एजेंसीज की तरफ से, वो असल में यहां एग्जिस्ट ही नहीं करते, और दूसरी तरफ कुछ रेड्स और गिरफ्तारियों की बातें भी हैं। मोहसिन रजा खान साहब, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? लगता नहीं कि मोहसिन साहब अभी हमें सुन पा रहे हैं। हुसैन दलवाई साहब, बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे जब यहां स्टूडियो में चर्चा चल रही थी, जी प्लीज। नहीं, पठानकोट का मामला इतना सीरियस है, ये देखिए जब मुंबई में हल्ला हुआ, और वो बड़ा ही हल्ला था, लेकिन मुंबई का हल्ला कोई बेस पे नहीं हुआ, आर्मी बेस पे नहीं हुआ। यहां पठानकोट में हमारा एयर बेस पे हल्ला होता है, जहां हमारी आर्मी भी बहुत नजदीक है और पूरा बेस वहां है, वहां हल्ला होता है। ये बड़ी गंभीर बात है,
और जिस गंभीरता से सरकार ने ये बात लेनी चाहिए मुझे लगता नहीं कि अभी भी उन्होंने ली है। जैसा कि आज तो सुबह में इतना हंसा कि क्या हमारा डिफेंस मिनिस्टर उसको कुछ देश की पॉलिसी दूसरे देश के साथ किस तरह से बात करना ये समझता है कि नहीं। हमारे इधर एक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने ये कहा था कि यहाँ अभी सरकार चलाने के लिए भाजप के पास अच्छे लोग नहीं है, टैलेंट नहीं है। तो हर बार ये समझ में आ रहा है कि जिस ढंग से उनके मिनिस्टर बातें करते हैं इससे टैलेंट की बड़ी कमी है उनको। ऐसा है कि उनको जो करना है वो करना अलग बात और बोलना अलग बात। ये बोलने की जरूरत है कि हम ये करेंगे जैसा है वैसा उसको उत्तर देंगे, हमें दुख दिया तो उनको दुख देंगे, ये बोलने की जरूरत है। करिए ना, कौन कहता है नहीं करना, करिए, उसके लिए हिम्मत दिखाइए। वो तो हिम्मत दिखाते नहीं। मैं तो बोलूंगा पूरे देशभक्ति की और राष्ट्रवाद पूरा हमारे पास ही ऐसा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी एक टीम तैयार करिए, हो जाने दो। ये इस्लाम साहब इस तरह से ओपनली बोलना इसके ज्यादा की कमी की वजह से ऐसे बयान अदा करेंगे करेंगे ये बताएंगे नहीं। ये क्या, ये क्या मजाक है दहलवे साहब? ऐसा है कि डुप्लीमेसी की सरकार यूपीए कांग्रेस डुप्लीमेसी का मतलब पिछले 60 सालों से डुप्लीमेसी में हिंदुस्तान पे राज कर रही है। हुसैन साहब आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं जफर इस्लाम साहब। इसके लिए एक्शन ठीक ढंग से होना चाहिए और मेरे ख्याल से ये एक्शन अभी भी मुझे जरा बोलने से 15 तारीख से। हुसैन साहब आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं जफर साहब। आपने कहा प्रतिभा की कमी है और अगर करना ही चाहते हैं तो कीजिए, बोलते क्यों हैं? इसको बोल के अपेरेंट करने की जरूरत क्या है? जफर इस्लाम साहब देखिए, मैं तो दहलवी साहब को ये पहलूंगा बताना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही है। बॉम्बे में जो हमले का जिक्र कर रहे थे वो यूपीए सरकार और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वहां बॉम्बे में भी जिस तरह का डैमेज किया आतंकवादियों ने बॉम्बे में और पठानकोट में, आप देखिए जिस तरह से कंट्रोल किया आर्मी ने, कितने जल्दी में उसको पहले एंट्री पॉइंट्स में ही घेर के 250 मीटर के अंदर में सबको गिरा दिया। दोनों में फर्क है, उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया ये पूरी दुनिया देख रही है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ उन्होंने किस तरह का रिलेशन पॉलिसी रखा कि आज तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला 60 सालों में, और मुंबई अटैक के बाद तो कुछ निकला नहीं। लेकिन हमारी पॉलिसी जिस तरह की है बहुत डायरेक्टेड पॉलिसी है पाकिस्तान के प्रति, और उसका नतीजा यह है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत की तरह से देखते थे, और आज वो खुद से फोन करके कहते हैं कि हमें एक्शन लेना है, आप मुझे फौरन एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये फर्क है हमारे पॉलिसी और उनके पॉलिसी में। उनकी पॉलिसी हर तरह से नाकाम रही है, कभी उसका फायदा, और उस वक्त भी जबकि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उस वक्त कहा गया, वो कांग्रेस के लीडर नहीं थे, नेशनल लीडर थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही सिर्फ इसका ऑब्जेक्शन किया था कि उन्हें देहाती औरत की तरह रेफर कर रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री, ना कि कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर भी किया है। इनके लीडर्स तो ऐसे हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे खुर्शीद आलम साहब, खुर्शीद साहब वो, और हमारे यहाँ किसकी कुव्वत और किसका औरा क्या है, की धरती में जाके हिंदुस्तान के बुराई करते हैं, ऐसी पार्टी के नुमाइंदे क्या करेंगे ये दुनिया जानती है। हमने एक आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव लिया कई बार पाकिस्तान के साथ और हमारे जो बगल में जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ अच्छा रिलेशन, लेकिन कई बार ये आउट ऑफ द बॉक्स जो है नहीं। लेकिन ये बात आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये बात साफ साफ बताना चाहते हैं कि हम सक्षम है, हर तरह से कम्पिटेंट है, हमारी ताकत को अंडरएस्टिमेट ना किया जाए। ये आज की जो सरकार है भारत फौज के कॉम्पिटेंस पर कोई शक नहीं है, और हम हर तरह के सकते हैं, इस पर कोई शक है। लेकिन अगर इसमें साथ में ये जोड़ा जाता है कि ये मेरा नजरिया है सरकार का नहीं, तो फिर ये भी दिमाग में आता है कि ये जोड़ना जरूरी क्यों था। लेकिन सुरेश गोयल साहब, ये बातें तो अपनी जगह चलती रहेंगी, ये सियासत का मिजाज है, लेकिन आपको क्या लगता है, एक तरफ जब वहां पर ये कहा जा रहा हो कि आपकी आईबी, हमारी आईएसआई, यहां की लोकल पुलिस, आपकी एनआईए, हमारी फेडरल एजेंसी जो है, ये सब मिलकर आइए, इसको प्रोब करें और देखें कि यहां पर असल में कौन गिल्टी है। ये बात ठीक है कि वो कह रहे हैं कि वहां पर रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, ये ठीक है, अभी सामने आएगा, लेकिन ऐसे में इस तरह के बयान क्या चीजों को डीरेल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि
हमने उनको प्रूफ दिए पाकिस्तान को, वो उसकी जांच कर रहे हैं, चाहे उनकी जांच पर हमको शक है या जो भी है कि नहीं कर रहे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये जरूरी है कि इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पाकिस्तान में। यहां पर जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दो तरह की खबरें आ रही हैं जी। एक तो द न्यूज वहां का जो अखबार है उसके हवाले से खबर ये आ रही है कि दो जो नंबर्स पाकिस्तान के यहां से प्रोवाइड कराए गए थे उन्होंने ये सीधे सीधे कह दिया है कि ये यहां के रजिस्टर्ड नंबर्स नहीं है। दूसरी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिसमें आईबी है, आईएसआई है, मिलिट्री एजेंसी है वहां की और इसके मिलिट्री इंटेलिजेंस और इसके अलावा एफआईए भी है और वहां की लोकल पुलिस भी, मतलब आईबी को भी लूप में लेते हुए ये काम हो रहा है। तो क्या ऐसे में अभी फिल वक्त अपने इमोशंस को काबू में रखना चाहिए? जी, मैंने देखा वो न्यूज अभी फ्लैश में आ रही थी आपके ये, और मेरा ख्याल है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो हमें इस इन्वेस्टिगेशन को एक चांस देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में हमको पूरा मौका है देखने का कि वो इन्वेस्टिगेशन सही है या गलत है या कुछ और करने की जरूरत है, लेकिन वो होनी चाहिए, उसके बाद हमको कुछ कहना चाहिए उसके बारे में। एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा यहां पर अभी, जो हमें भी अपनी तरफ से ये देखना चाहिए कि पठानकोट एयरबेस के अंदर, हम लोग कहते नहीं है कि पठानकोट एयरबेस के अंदर जो हाई सिक्योरिटी एरिया है ये कुल 6 लोग किस तरह घुसे ये? जी, इस बारे में तो मैं खैर ब्रिगेडियर साहब के पास आने वाला हूं। किस तरह से घुसे ये देखना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब कि हमारी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं, अगर आपने ये सिरा दिया है तो आइए मैं ब्रिगेडियर साहब को इसको पकड़ाऊं। ब्रिगेडियर साहब, इस समय बहुत चर्चा ये सरगर्म है, खासतौर से जो आयल के उस तरफ बैठे हुए लोग हैं ऑपोजिशन में, वो ये साफ कह रहे हैं कि इसीलिए हम कहते थे कि एनसीटीसी आवश्यक है और इसीलिए हम कहते थे कि एक कंबाइंड डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, एक कॉमन कंट्रोल एंड कमांड का हिसाब किताब होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये बात कहने से ज्यादा कि हम दर्द देंगे दर्द देने वालों को, पहले अपनी खामियों को हम ठीक करके और वहां हम चाक चौबंद हो जाएं? आपको याद होगा कि जब डिफेंस मिनिस्टर गए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पठानकोट एयर बेस पर, तो वहां पर उन्होंने भी कहा था कि कुछ कहीं न कहीं गैप हैं, लूप होल्स हैं और उसको ठीक करना पड़ेगा। जो आप बात कर रहे हैं ये जितने सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं इनकी पेट्रोलिंग, इन पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इनके जो लोकल पेरीमीटर डिफेंस है उसमें और भी बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो ऐसे वारदात होते रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो बड़ी एरियाज हैं, जैसे एयरपोर्ट का एरिया तकरीबन 25 स्क्वायर किलोमीटर्स है, तो ऐसी एरिया में और भी ट्रुप्स के डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होती है और वह करना चाहिए, वो करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था वहां अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रिगेडियर साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि अभी मुझे ये पता चल रहा है कि अब शायद मोहसिन रजा खान साहब हमें सुन पाएंगे, तो आइए उनके पास एक बार चलें। मोहसिन रजा खान साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर क्या इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का बयान पहुंच चुका है और उसको उसकी तर्जुमानी कैसे हो रही है? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरीके से पठानकोट का वाकया हुआ और फिर उसकी पाकिस्तान के दफ्तर खाजा ने मजम्मत भी की और इंडिया ने भरपूर तरीके से पहली मरतबा जो है पाकिस्तान को इस हवाले से रब्ता भी किया और पाकिस्तान के हुकाम को उस हवाले से इंफॉर्मेशन भी पास ऑन की, तो पाकिस्तान ने उस पर फौरी तौर पर रिएक्ट किया। वजीर आजम ने अपने वतन वापसी के बाद इस हवाले से दो अहम इजलास किए और उन दोनों अहम इजलासों में एक तो वजीर आजम ने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की भी हिदायत की और दूसरे इजलास में जिसमें आर्मी चीफ और आईएसआई के सरबराह भी मौजूद थे इस हवाले से तफसीली बात हुई और पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इंडिया के साथ जो मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए और उनको आगे बढ़ाया जाएगा जिस तरीके से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। जो वाकया भी हुआ है पठानकोट का, इसके हवाले से पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से इसको इससे अपना अवॉइड करने की कोशिश नहीं की है और पाकिस्तान के वजीर आजम की और पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है उसकी ये कमिटमेंट है कि इंडिया के साथ मामला को बेहतर बनाएंगे। इसलिए आप देखें कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान को इसको जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान ने इस तरीके से कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि हुकूमती सतह पर मैं समझता हूं दोनों हुकूमतों का रहता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हम देख रहे हैं कि
मोदी साहब ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उनमें ये बड़ी डेवलपमेंट है कि उन्होंने इस मामले को पाकिस्तान के हवाले किया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। मुनीर खान, आप इनको ही पर्याप्त मानते हैं, इसको ही सफिशियंट मानते हैं कि कम से कम ये तब्दीली तो नजर आई कि ठीक है, चलिए बगैर चीजों को बहुत कॉन्क्रीट तौर पे पेश किए ही अगर इंडिया में ये एक परसेप्शन बनने लगा कि ये पाकिस्तान ने किया हुआ है, तो उस पर कोई बहुत सीरियस रिएक्शन उधर से नहीं हुआ, सिर्फ आप इतने से संतुष्ट हैं, आप ये मानते हैं कि वहां कट्टरपंथियों पर इस बार कार्रवाई होगी, कुछ कॉन्क्रीट होगा? क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब ने ये कोशिश की थी 2003 में, उन्होंने जब गियर बदला था तो उनके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स हुए थे दो बार। देखिए, उस लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस कश्मीर के और इंडिया के मामलात के हवाले से भी बढ़ के एक बड़े एक मामले को शुरू किया हुआ है जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म है, उसमें पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं जो कि अलकायदा और तालिबान के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और उसमें भी जाहिर बात है कि वज़ीर आज़म के को लाइफ थ्रेट है और उनकी फैमिली को भी लाइफ थ्रेट है। लेकिन इस मामले पे आप देखें कि वजीर आजम ने किसी भी मोहसिन रजा खान साहब 16 एकड़ दिए गए हैं बहावलपुर में जैसे मोहम्मद को, जिसमें वो अपना पूरा फलता फूलता हिसाब किताब रखे हुए हैं, उनके वीकली रोज छपने वाले और महीने में छपने वाले जिनमें अल कलाम भी है, ये जाते हैं और इसके बदले में एडवर्टीजमेंट्स भी वो लेते हैं और सरकार को ये पता है। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं इसको एज इट इज हम यहां ले सकने की स्थिति में, आपके पास हम लौटेंगे? इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि मनोहर पारिकर साहब ने ये बात भी कही है कि अगर हमारी एक जान गई है तो हम उस शहादत को सलाम करते हैं लेकिन ये आवश्यक नहीं था, क्या इसका मायने ये है कि हमसे गंभीर चूके हुई, क्या हम वो जाने बचा सकते थे, क्या इसमें कहीं स्ट्रेटेजिक कमी रह गई, और अगर ऐसा है तो क्या उनका इशारा है कहीं इनडायरेक्टली? एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं, सीधा सवाल।